नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल उन लोगों की अब खैर नहीं होगी जो इनकम टैक्स देते हैं और फोर व्हीलर गाड़ी रखते हैं। अब ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा की सूची से अपना नाम कटवाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार अब ऐसे लोगों से 27 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं के एवज में रिकवरी भी करेगी। इसको लेकर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की रेप के मामले में मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग अस्वीकार कर दी है। ऐसे में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर गुरुवार 26 सितंबर को सुनवाई हुई। याचिका में रोहित जोशी ने पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने रोहित जोशी की याचिका को अस्वीकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी वाटिका को शुरू किए जाने की मांग को लेकर बीते दिनों धरना देने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद भजनलाल सरकार में जमकर हड़कंप मच गया। इसके बाद गांधी वाटिका मामले में सरकार पीछे हट गई। सीएम भजनलाल ने बैकफुट पर जाकर पर्यटन विभाग से गांधी वाटिका को 2 अक्टूबर से शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही गांधी वाटिका के बेहतर संचालन के लिए उन्होंने एक समिति के गठन करने का भी निर्देश दिया। उदयपुर में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। बुधवार को उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में एक 5 साल की बच्ची को तेंदुआ जंगल की तरफ खींच ले गया। गुरुवार सुबह जब गांव वाले जंगल की तरफ गए तो उन्हें वहां बच्ची की लाश मिली। पिछले 10 दिनों में यह चौथी घटना है जब तेंदुए ने इलाके में किसी का शिकार किया है। बता दूं, वन विभाग ने अब तक 2 तेंदुए पकड़ लिए हैं। राजस्थान के सपूत और सेना के एक जवान रामस्वरूप कसवा की मौत पर बवाल हो गया। श्रीनगर के अनंतनाग में तैनाती के दौरान उसकी मौत की खबर मिली थी। परिवार का कहना है कि कसवा शहीद हुए हैं, जबकि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने इसे आत्महत्या बताया है। इसके विरोध में परिवार और ग्रामीणों ने गुरुवार को बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया और जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की। परिवार ने जिला सैनिक अधिकारी कर्नल यश राठौर को भी सस्पेंड कराने की मांग की है। विरोध के कारण जवान का शव, जिसे पहले पंचू ले जाया जा रहा था, वापस आर्मी कैंट लाना पड़ा। हनुमानगढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। इस मैसेज के चलते पंजाब के किसान जमीन आवंटन की उम्मीद में कलेक्ट्रेट पहुंच गए, लेकिन इस अफवाह के चलते किसानों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। दरअसल सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा भूमिहीनों को जमीन आवंटित कराने का मैसेज वायरल हो रहा था। मैसेज का सत्य जाने बिना ही हजारों किसान हनुमानगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट पर प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच गए। ब्यावर जिले के एक सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने के आरोप में 2 टीचरों पर कार्रवाई की गई। टीचर अस्मा परवीन को सस्पेंड कर दिया गया और दूसरी टीचर शगुप्ता पर कार्रवाई के लिए निदेशक कार्यालय भेज दिया गया है। मामला ब्यावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। आरोप है कि दोनों शिक्षक स्कूल परिसर में ही नमाज पढ़ती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार के रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों में मालिक मैनेजर का नाम पता लिखने और कैमरे लगे होने के आदेश की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 पोस्ट किए जिसमें योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए गए और इससे ध्यान भटकाने की साजिश बताया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी का कद बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार ने उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। पिछले दिनों विवादित ट्वीट को लेकर अशोक चौधरी सुर्खियों में रहे थे। अब नीतीश कुमार ने ही संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात की है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने और जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने की मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान से बात करके फिर से अलगवाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।